हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल ब्लॉग्स। दोस्तों मैं अभी आया हूँ, मतलब ये जो मूर्ति कारीगर बोलते हैं हम लोग का, ये देख सकते हैं मूर्ति, ये दुर्गा माता है। आप देखिए इसका नज़ारा, आप देख लीजिए एक बार, मतलब 8-10 मूर्तियाँ बना के रखा है, ये सब दुर्गा माता है वह बना के रखा है, देखिए। और इस तरफ देखिए, ये भी देख सकते हैं, देखिए ये हो गया 45,000 और ये भी हो गया 45,000। आप शेर को देखिए, ये असुर को देखिए किस तरफ है, देखिए इसका नज़ारा देखिए, ये असुर जी का देखिए, इसका देखिए, और ये देखिए जितना है सब दुर्गा माता। ये जो है मतलब 35,000 का है, 35,000 की बारीक पोसा देती बहन की है, मतलब 35,000 में आपको घर तक पहुंचा देगा, घर तक हो कोई मार्केट हो वहीं तक पहुंचा देगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये असुर जो है उसका पोजीशन देखिए दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार बनाया है। मतलब हम लोग का अगर मूर्ति वगैरह लेने आते हैं तो यहीं पर आते हैं, आप देख सकते हैं। और ये हो गया, आप देखिए और आपको दिखाएंगे, ये वाला आप देख सकते हैं, जो आपका पसंद आए वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए सांप, देखिए किस तरह है, मतलब अभी मिट्टी का कलर है इसलिए इतना दिखाई नहीं दे रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इतना तो 35,000 ना, ये भी 35,000 है। आप अगर लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कारीगर जी का नंबर दे देंगे या अंकल जी का नंबर दे देंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो है विश्वकर्मा, कितना छोटा छोटा विश्वकर्मा बना के रखा है, आप देख सकते हैं कितना विश्वकर्मा बना के रखा है। कत डिमानाइसन विश्वकर्मा 100-200, मतलब 200 विश्वकर्मा बना के रखा है। मतलब रोंगिया का उत्तर तरफ, नॉर्थ की तरफ यहाँ से जितना है मूर्ति वगैरह सेल होता है, मतलब रोंगिया से उत्तर जितना है यहीं से मूर्ति वगैरह लेते हैं, काफ़ी लोग यहीं से लेते हैं, आप देख सकते हैं। और आपको दोस्तों दिखाएंगे बाहर जाके जो पत्थर का, मतलब सीमेंट से मूर्ति बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, और ये जो है पराली से बना के रखा है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, देखिए ये शिव मंदिर का नंदी जी है, मतलब ये पत्थर से बनाया है। इसका इटर दाम कतो 20,000, इसका है 20,000 रुपया। और ये भोलेनाथ बना रहा है, ये भी पत्थर का ही है, सीमेंट का, ये हो गया मतलब 10,000 में आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको एक दिखाता हूँ, माता मनुषा आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, ये भी एक नंदी, आप देख लीजिए इसका नज़ारा, आप देख सकते हैं। और ये हो गया, काफ़ी बड़ा बनाया है, मतलब 6 फीट 6 फीट 6 फीट होगा, 7 फीट होगा, आप देख सकते हैं। ये माता मनुषा है, देखिए मनुषा का मूर्ति जो है आप देख सकते हैं। ये सांप जो है वो अभी देखिए, ये हाँ हम लोग हंस बोलते हैं, हंस इसका देखिए, आप देख सकते हैं, ये हो गया। आपको दोस्तों फिर से एक फोन कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ,
मैं बैक कैमरा से अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको, बने रहिए मेरा वीडियो में। बोलते हैं हमको विपत तारिणी मूर्ति बोलते हैं, इसको हम लेने आए हैं। ये थोड़ा छोटा बड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा है, हम इसको लेने वाले हैं। इसको अभी आज ऑर्डर करके जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो सर वगैरह नहीं लगाया है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों विपत तारिणी मूर्ति। ये काफ़ी मज़ा है, मतलब कलर वगैरह लगा देने से काफ़ी सुंदर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। आपको अभी बैक कैमरा से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप आंटी को देख रहे हैं, आंटी भी बना रहा था, ये देखिए, ये फिलहाल ये कच्चा था, ये आंटी बना रहा था, अभी बना था, ठीक ठीक है। ये हो गया अंकल, ये घर का मेन बुजुर्ग आदमी है, और एक ठो भैया था वो तो अभी नहीं है, बाहर में गया दुकान में, ठीक है। अब देखिए ये छोटा छोटा मूर्तियाँ जो है, ये हो गया बड़ा विश्वकर्मा, और ये सब बड़ा बड़ा विश्वकर्मा, और ये जो है छोटा छोटा विश्वकर्मा, मतलब 200 विश्वकर्मा बनाया है। और आपको दिखा देता हूँ दुर्गा मूर्तियाँ जो है, दुर्गा माता मूर्तियाँ आपको दिखाता हूँ। ये हो गया 35 आपको 35, और ये भी 35, ठीक है। ये असुर भी आप देख सकते हैं, और ये हो गया 45, मतलब, और ये भी हो गया 45। आप देखिए ये काफ़ी मज़ा बनाया है, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ दिमो, आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा ब्राइट हो गया इसमें, इसलिए आपको इतना दिखाई नहीं देता है। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से डिजाइन है, आप देख सकते हैं। ये 45,000 का है, आपको दिखा देता हूँ, टोटली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये भैंस का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार है, आप पूरा देख सकते हैं। और आपको देखना है इसका डिज़ाइन भी देखना है, ये 35,000 का है, ठीक है। यहाँ जितना है 35,000, और इधर का भी आप देख सकते हैं एक बार। ये मुंह जो है ख़राब ना हो इसलिए इसे बांध के रखा है पेपर से, मतलब प्लास्टिक से, आप देख सकते हैं पूरा। आप नज़ारा इसका देखिए, दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा वो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे मतलब 30-40 किलोमीटर का नज़दीकी है तो यहाँ से मूर्तियाँ आप बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, मतलब 35,000 बोला है घर तक पहुंचाने के लिए। अगर आप खुद लेके जाते हैं तो कोई आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, ठीक है। आप खुद ले जाइएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और लेकिन जो मूर्ति वगैरह बनाता है वो ऑनर जो आपको लेके देगा घर तक, तो आपको 35,000 या 45,000 देना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मूर्ति वगैरह लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर में दे दूंगा, वो कांटेक्ट करके आप ओनर से बात कर सकते हैं और मूर्तियाँ खरीद कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये जो मूर्ति कारीगर बोलते हैं हम लोग, ये अंकल जी का घर तक आने के लिए आपको लोकेशन वगैरह दे देंगे, और इस घर में आपको आने के लिए आप किसी गाड़ी बाइक से आने से आपको पहले कुमारीघाटा तक आना पड़ेगा। जहाँ से भी आइए, नागरजुली से आइए या रोंगिया से आइए, आप मेला बाज़ार से आइए, या आप पानरी वगैरह है इधर में से आइए, तो आपको पहले कुमारीघाटा आना पड़ेगा। कुमारीघाटा आने से आपको जाला रोड से अंगारघाटा तक आना है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर होगा आपको यहाँ तक। कुमारीघाटा जो
सिटी जैसा ही है हम लोग का, थोड़ा टाउन जैसा ही है। वहाँ से मतलब 2-2.5 किलोमीटर होगा, आपको आना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप मूर्ति वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है।